यूपी और बिहार में रेल हादसा हुआ। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हादसा हुआ। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रेन है जो बेपटरी हुई है। 2 जगह पर हादसा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 25 डब्बे पटरी से उतर गए। आप सोचिए कई ट्रेनों के रूट इसकी वजह से बदल दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ, 4 डब्बे पटरी से उतर गए। वहां भी मालगाड़ी के जो 4 डब्बे थे वो पटरी से उतरे थे। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो लगातार डिरेल होती हुई ट्रेन्स की खबरें हैं वो आ रही हैं। अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट और ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगहों पर रेल हादसे हुए हैं। मथुरा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, 25 डिब्बे पटरी से उतरे। इसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, कई ट्रेन इसकी वजह से लेट हो गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ, मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के मथुरा से और दूसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से। एसटीपीवी का एक लोडेड गुड्स था जो एसटीपीवी सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रहा था। तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका ओएचई डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग द कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और अब मुजफ्फरपुर में जो घटना है उस पर डीआरएम का क्या कहना है वो आपको सुना। मालगाड़ी के अंदर जैसे अब हमारे को रेल काटनी पड़ रही है, कुछ कुछ अभी करना पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत धीरे गति से शंटिंग हो रही थी। ट्रैक को डैमेज नहीं है, सिग्नलिंग को डैमेज नहीं है, सिर्फ रूट डिस्टर्ब है। अधिक वजन के कारण हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये आधी गाड़ी खाली हो गई थी। गाड़ी ये भिलाई से आई है तो इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये डिरेलमेंट क्यों हुआ इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उस पर जांच ऑर्डर करेंगे।